मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 84 करोड़ 86 लाख की लागत से निर्मित तरकुलानी पंपिंग स्टेशन का विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद बटन दबाकर लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंपिंग स्टेशन पर पहुंचकर बटन को दबाकर उसका विधिवत शुभारंभ किया तथा बारीकी से रेगुलेटर का औचक निरीक्षण कर उसके कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार प्रदेश में मानसून जल्दी आ गया है और अत्यधिक बारिश हुई है, जिससे कई जगहों पर जल जमाव हो गया है। उन्होंने कहा कि जनता की मांग पर तरकुलानी रेगुलेटर को शुरू कर दिया गया है। अगर आगे कुछ दिनों तक बारिश होती है तो तरकुलानी में बसे 2 लाख परिवारों को बाढ़ की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, बाढ़ की वजह से विकास खंड खोराबार में इंसेफ्लाइटिस के ज्यादा केस आते थे, लेकिन प्रदेश में सरकार बनने के बाद बाढ़ के पानी का उचित प्रबंधन करने से इंसेफ्लाइटिस तथा अन्य बीमारियों में कमी है। इस अवसर पर भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, सदर सांसद रवि कृष्ण, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। Yeah.
Oh, yeah.
इसको ये कितनी देर में पानी पूरा यहाँ से ड्रेन आउट करने का जा रही है? इकहत्तर मीटर से नीचे में बंद करना है और इसके ऊपर जितना है सब जुलूम कर लो। कहाँ है? पीछे हो गया मैं थोड़ा यार, दो मिनट में खत्म हो जाएगा। बाबा थोड़ा सा पीछे सर, थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। जल आयोग नई दिल्ली से 10/6/2017 को चालू
40 करोड़ 60 लाख की परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर समीप सुरक्षित क्षेत्रों से बाढ़ के पानी निकासी के लिए पंपिंग स्टेशन के निर्माण के 10 अक्टूबर 2017 को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा शिलान्यास किया गया। पहले के साथ ही सॉइल टेस्टिंग के आधार पर परियोजना की डिजाइन और ड्रॉइंग बनाने के लिए केंद्रीय परिकल्प निदेशालय लखनऊ भेजा गया तथा जरूरी संशोधन कर 84 करोड़ 86 लाख का प्रस्ताव केंद्रीय किसानों को बेहतर सुविधाएं एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है योगी सरकार। क्या मैं करता हूँ कि वो अपने इस बहुमूल्य समय में हमारे परियोजना का लोकार्पण करने के लिए आए, उन्होंने देखा और पंप्स को ऑपरेट किया। मैं उनका लाखों लाख धन्यवाद देना चाहूँगा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी अपने बहुमूल्य समय से समय निकालकर आए और हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमारा उत्साहवर्धन भी किया। मैं अपने जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। कार्यक्रम में आइए